तो गाइस आज मेरी और मम्मी की लड़ाई हो गई थी, तो मुझसे गुस्सा हो गया। मम्मी 5 दिन पुरानी तोरी खा रही है जिससे उन्हें दस्त हो सकते हैं। हर कोई किस्मत के दम पे ही बनता है बिना किसी। गाइस जीवन की सबसे जरूरी चीज है मलाई पूड़ी, आपको मलाई पूड़ी जरूर खानी चाहिए। गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप सभी? फॉर ब्लॉगिंग एक नए फ्रेश और कमाल एपिसोड में आप सबका स्वागत है। और जिसने भी अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, 2 मिनट लगा के इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। सीधा होके कैसे बैठ गया तू गाइस? सुना आज घर में मूंग की दाल के चीले बने हैं, कल घर पता नहीं घर वाले सूजी के चीले बनाते हैं कि डोसा बनाते हैं, या फिर इन लोगों को खुद डिफरेंस पता नहीं लगता दोनों चीजों के बीच में। क्योंकि मैं तो बहुत कंफ्यूज हो जाता हूँ, जब मैं चीला खा रहा होता हूँ तो मैं डोसे का फ्लेवर आ रहा होता है, लेकिन जब मैंने पता नहीं क्या ही करते हैं यार ये लोग, समझ नहीं आता मेरे। किचन की भी हालत अजीब सी बना रखी है और अभी 10 बज रहे हैं, बताओ क्या क्या होगा इन सब लोगों का। भाई को देखो, भाई सुबह 9 बजे का उठा हुआ है लेकिन अभी बेड से उठा है। मैंने सोचा कि मैं जल्दी से बेड से उठ जाता हूँ उससे पहले कि घर में कोई कलेश हो, नहीं तो मम्मी मुझे कूटना चालू कर सकती थी। तो गाइस आज हमारे घर में सफाई हो रही है, ये लो मैं आपके लिए स्पेशल झाड़ू लेकर आया हूँ। ये तो टूटा हुआ है। और सही वाला कौन सा है? देखो मैंने क्या बोला था, आधी सीढ़ियों में पड़ा हुआ तो है। ये भी तो आधी सीढ़ियों में पड़ा था, तो पहले से नहीं पड़ा हुआ था। मेरा हाथ और कच्चा है, ऐसे टूटा हुआ है ये। रुको मैं दूसरा लाता हूँ। रिलैक्स मॉम चित, रोना नहीं है, रोना नहीं है। मिल गया, यही झाड़ू है जो मम्मी मंगा रही थी। ये पीछे से भी सही है, इससे मम्मी का हाथ भी नहीं कटेगा। तो मैं अपना मोहल्ला दिखाऊं क्या, जहाँ के लोग बत्ती जला के राजी नहीं है? देखो वो भी देख लो लगे हाथ। देखो ये मेरा मोहल्ला है, यहाँ के लोग बत्ती जला के राजी नहीं है, पर दिखता अच्छा है, कुछ भी बोलो। मॉम मॉम, लो मैं आपके लिए आपकी प्यारी झाड़ू लेके आया हूँ, झाड़ू तो ले लो। और हाँ गाइस, आज हमारे घर में चीला और मैंगो शेक बना है। गाइस दाल का चीला मुँह कट गया लगता है। तो गाइस हमारे घर में सफाई अभियान चालू हो गया, कमेंट करके बताओ आपके घर में भी सफाई अभियान चल रहा हो तो। लाइट्स ऑन हो गई। मम्मी यार इसे लेके बाथरूम में काहे को जा रही हो? अच्छा बाथरूम में भी जाने लगे, चलो फिर ठीक है कोई बात नहीं। गाइस हमारे बाथरूम में भी जाने लग गए थे तो मम्मी ने सोचा सफाई कर दी जाए, जब ये कमरा मेरे अंडर था। वैसे अब तो मेरे अंडर रहा नहीं, मतलब कितने 5 साल हो गए मुझे रहते हुए, और 5 सालों में कल पहली बार मुझे इस कमरे में गर्मी लगी, नहीं तो ये कमरा इतना ठंडा रहता है ना, मज़ा आ जाता। कल पहली बार मैं उस वाले कमरे में गया सोने। गाइस देखो हम सबके फ़ोन इस थैले में है और वो हमसे दूर जा रहे हैं। निकल जाएंगे, इतनी चिंता मत करो, सब निकल जाता है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हम लोग हाँ अपनी एक प्लेट के पूरे पैसे मैं दूंगा, इसकी आधी प्लेट के पैसे दूंगा, आधी प्लेट के अपने पैसे खुद देगा। तो फिर क्यों मैं आधी प्लेट के पैसे दूंगा, तू दे? क्योंकि मैंने कल समोसे खाए थे तेरे पैसे। हाँ और वो जो तूने पिक्चर जाने के पैसे मुझे अब तक नहीं दिए, जो 180 रुपए लिए थे काहे के? अभी तक नहीं दिए, उज्जैन जाने से पहले। ऐसी मार पड़ेगी ना हराम जादे, तुझे 180 रुपए की जगह मैं तुझे कम से कम 1200 रुपए खिला चुका हूँ। एहसान फरामोश सुअर। 1200 नहीं 500 मान लो। अभी थारा भाई जोगेंद्र की कहानी सुनी है? वो 2 साल का था, उसने सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी की। जब वो 2 साल का था तो उसके पापा मर गए थे, उसके बाद उसने बहुत मेहनत से अपना घर चलाया और सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी की। वो उसने जब चालू किया था ना, ये जोगेंद्र छाती पे हाथ ठोक के, और आज वो बेचारा रोड़ी। आप देख रहे हो किस्मत इंसान को कहीं भी ले जाती है, आप कहाँ पैदा होते हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे ऐसा लगता है मम्मी कि हर कोई किस्मत के दम पे ही बनता है, बिना किस्मत के इंसान बेकार है। मतलब लोग कहते हैं कि मेहनत पे भरोसा रखो, मेहनत जब ही होती है जब किस्मत होती है, नहीं तो मेहनत बेकार है, बिल्कुल बेकार है। बिना किस्मत के कुछ नहीं हो सकता। ये सारी फालतू की बातें हैं कि आप मेहनत करो सफलता मिलेगी। आप जी सकते हो लेकिन आप सफल नहीं हो सकते जब तक आपकी किस्मत साथ नहीं हो। कोई कहता है कि ये सफल नहीं हो, भाई अगर तू सफल हुआ है तो हाँ तेरे ग्रह नक्षत्र ऐसे हैं कि तू सफल हुआ है, अगर तेरे ग्रह नक्षत्र नहीं होते तो कभी सफल नहीं हो सकता था, तो एक चैलेंज है ये बहुत कमीनी चीज है, मैं आपको बता रहा हूँ। ये फिर से कोई एक्शन लेने जा रहा होगा, या तो जूस पीने जा रहा है या फिर हाँ। मैं तो फुल चीला खाने के मूड में हूँ घर पे, हरी चटनी के साथ। सवा और किस में 1.25 लाख रुपया लगा है? क्या कह रहा है, कहाँ लगा है 1.25 लाख रुपया? तो गाइस मैं नहा धो के एकदम रेडी हो गया हूँ, लेकिन मैं थोड़ा सा लेट हो गया हूँ, तो मैं सोच रहा हूँ कि सीधा अपना जो ब्रेकफास्ट था ब्रेकफास्ट करके ही जाऊँ। पापा कहीं बाहर चले गए थे तो घर के थोड़े बहुत से काम मुझे ही करने पड़े थे। और ये देखो मस्त हमारा चीला बन रहा है, पापा बना रहे हैं। पापा जो बाहर है 2 मिनट में अंदर आके सही से बनाएंगे। इसमें हम डाल रहे हैं थोड़ा ये प्याज टमाटर, थोड़ा सा पनीर, और ये रही हमारी मम्मी का चीला ख़त्म भी होने वाला है। और ये सबसे हमारी जो स्पेशल चीज़ है वो हमारी हरी चटनी। क्यों मम्मी आपको हरी चटनी कैसी लगी? पापा ने बनाई है ना, मुझे पता था। और आज हमारे घर में मलाई पूड़ियाँ भी आई हुई हैं,
ये 25 पूड़िया एक दिन में खा गया तो अभी मोटू लाला। फिर तू कह रहा है तू पतला होना चाहता है, कैसे पतला होगा तू? मैं तो इतना पतला होगा क्या बोलते हैं, जैसे वो पापड़ी थे मिस्टिक फोर्स में जो। यार दोपहर में बाहर निकलने का मन नहीं करता सच में, गर्मी लगती है दुनिया भर की। गाइस जीवन की सबसे जरूरी चीज है मलाई पूड़ी। आपको मलाई पूड़ी जरूर खानी चाहिए, इसे खाने से आपकी पेट का तो पता नहीं लेकिन मूड एकदम मस्त रहता है। देखो कितनी तगड़ी लग रही है। मम्मी मैं कह रहा हूँ मैं अपना फोन वन प्लस के सर्विस सेंटर में एक और बार दिखाया हूँ, मुझे इसके वॉल्यूम वाला बटन दिखाना है। मुझे ऐसा लग रहा है इसका वॉल्यूम वाला बटन खराब हो गया है, दिखा के सही करवा लाता हूँ। वैसे इसका वॉल्यूम वाला बटन थोड़ा महंगा आएगा, मतलब मैंने इंटरनेट पे कीमत देखी तो वो 600-700 रुपए बता रहा है। तो गाइस हमने 365 डेज ऑफ व्लॉगिंग का चैलेंज लिया हुआ है तो हम अपने फ़ोन को सही कराने नहीं दे सकते, क्योंकि अगर हमने फ़ोन को सही कराने दिया तो 365 डेज ऑफ व्लॉगिंग चैलेंज नहीं हो पाएगा। लग रहा है नमन आ गया दूध लेके आ रहा हूँ भाई। साले तू है ही इसी लायक। देखो गाइस खुलेआम सन बाथ चल रहा है और खूब चिलिंग हो रही है। ये हो ही नहीं सकता कि ये जुड़ी हुई हो। निकाल उसे उठा के साइड में कर तो अपने आप पता लग जाएगा ये नहीं है जुड़ी। उठा साइड में कर देख ले, मुझे पता है चादर पे मत रख, गंदी हो जाएगी चादर। मैं इसको उठाऊंगा, ये तो कल सुबह नहा धो के करने वाला काम, नहा धोने से पहले करने वाला काम था। अभी तो नहाएगा ना तो बदल ली दूसरी टी शर्ट दोगी? ढीली वाली देना, ढीली वाली निकाल दी। ये स्पीकर सही था जो आपने ऐसे कर दिया। तो गाइस शाम हो चुकी है और भाई का मूड थोड़ा खराब हो गया था बीच में, मम्मी और मेरा थोड़ा सा युद्ध हो गया था, लेकिन अब सब कुछ सही हो चुका है, मूड एकदम बढ़िया है। अब मैं थोड़ा फ्रेश एयर लेने के मूड में हूँ, मुझे अच्छा ही लगता है। मम्मी मुझ पे चिल्ला देती है, यू नो हमारा भाई बहन का रिश्ता है और वैसे मुझसे गुस्सा हो जाएंगी तो ये थोड़ा अच्छा नहीं लगता मुझे। फटाफट अब अपनी धनों को लेंगे और निकलेंगे, दो चार काम वो करके फटाफट घर पे लौटेंगे। ज़्यादा मुश्किल नहीं है, मतलब थोड़े थोड़े से हैं, बाकी भाई अपनी ड्यूटीज़ पूरी कर रहा है। तो गाइस आज मेरी और मम्मी की लड़ाई हो गई थी तो मुझसे गुस्सा हो गया। मम्मी 5 दिन पुरानी तोरई खा रही है जिससे उन्हें दस्त हो सकते हैं, और नमन रो रहा है। मम्मी क्या ज़रूरत है आपको 5 दिन पुरानी तोरई खाने की, मैं आपको भल्ला ला देता ना, इतना तो बुरा नहीं हूँ कि आपको भल्ला ला के नहीं दूंगा। नहीं घर पे इतना सही चीज बन। मम्मी यार आप कैमरे में बताओ आप मुझसे गुस्सा हो, इधर देख के बताना सच सच। चुप कर मम्मी बताओ। तो गाइस कांग्रेचुलेशंस, एक बेटे की मेहनत सफल हुई, मम्मी मान गई। मम्मी बताओ मुझे माफ कर दिया। मैंने कहा था ना मम्मी मुझसे ज्यादा देर तक गुस्सा नहीं रह सकती। देख किसका फोन आ रहा है सच में। अरे फोन आ गया, किसी का फोन आ गया, किसी फोन आ गया, फोन आ रहा है, नहीं पता किसी का आ गया। गाइस देखो हमें स्पैम नंबर से फोन आया, तुम उसे स्पैम करो। देखो ये नंबर है ये वाला, ये 63 करके इस पे फोन लगाओ और इसको स्पैम करो और मस्त मस्त बातें बोलो। गाइस हमारे भाई नमन का दिमाग खराब हो गया, वो उल्टी सीधी किताबें पढ़ता जा रहा है। गाइस हिंदुओं के व्रत त्योहारों की किताबें, सनातनियों के व्रत त्योहारों की किताबें। बहुत जोर से बोलो जय श्री राम, हर हर महादेव, जय श्री राम, हर हर महादेव। गाइस देखो एक कुत्ते ने दूसरे कुत्ते को मिलने बुला लिया। ओ बुरी लग गई, बुरी लग गई। गाइस देखो गैंग्स ऑफ डॉग्स हमसे मिलने आए हैं। हेलो, वो देखो वो तो कैसे हो तुम सब? ये अपना दोस्त और छोटू, तू आज घर के बाहर नहीं आया? आया था, पी गया। हाँ उसे और कुछ खाइए, उसे और कुछ चाहिए उसे।